जहां एक तरफ दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में भारी बारिश के कारण पूरा शहर में जलजमाव हो गया है। मंगलवार को भारी बारिश के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी जलभराव हो गया। बाढ़ के हालात को देखते हुए दुबई जाने वाली 15 और भारत आने वाली 13 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यात्रियों को दुबई एयरपोर्ट पर न आने की चेतावनी दी गई है। बता दें, दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। दुबई एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विमान सेवाओं का डायवर्ट होना अभी तक जारी है। हम जल्द से जल्द एयरपोर्ट को फिर से ठीक से संचालित करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि यह स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। भारी बारिश के कारण उड़ान संचालन में देरी हुई या उड़ानों को रद्द कर दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर आमतौर पर एक सामान्य शाम में करीबन 100 विमानों का आगमन होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वहां जिस तरह के हालात हैं उसके चलते उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। भारी बारिश ने इस हलचल वाले शहर में आम जनजीवन से जुड़ी गतिविधियों को पूरी तरह से ठप कर दिया। भारी बारिश के कारण दुबई की सड़कों को नुकसान हुआ है। घरों की छतों, दरवाजों और खिड़कियों से पानी रिसने के कारण घरों में पानी भर गया। UAI के पड़ोसी देशों बहरीन, कतर, सऊदी अरब में भी जमकर बारिश हुई है। ओमान में तो हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण 18 लोगों की मौत हो गई, उनमें 10 स्कूली बच्चे शामिल हैं जिनका वाहन बाढ़ में बह गया था। बहरीन की राजधानी मनामा में सड़कों पर पानी भर गया। कुवैत, सऊदी अरब व ओमान में बुधवार को चक्रवात की आशंका भी जताई गई है।